क्या हुआ मूसा? अब इसको उठा लोगे? पिज्जा थोड़ा इनको टेस्ट ड्राइव देने जा रहा हूँ और जना। तो जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। तो कैसे आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। तो अभी जितने भी नए लोग कैली में, चलो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। और गैस हमारे 160,000 भी हो चुके हैं, तो उसके लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। उसकी एक इंशाल्लाह सेलिब्रेशन भी करेंगे। और अभी खैर हम जैसे रोज की तरह आज इंशाल्लाह हम लोग सिलेंसर का काम ही करना है यार। वो पता नहीं क्या बना हुआ है, तो अभी चलते हैं वो सिलेंसर का काम करा के, क्योंकि जिससे हम देख रहे थे ना वो उसने खोले थे सिलेंसर में पर, तो बोल रहे वो रेडी है, आप लोग आज हम आपको बना के देते हैं। वो जाते हैं वो करा के आते हैं। उसके अलावा ग्रोसरी भी करनी है, एक ही बार जाके कराते थोड़ी सी, और जो भी छोटे मोटे काम खैर जो रूटीन होगी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करते रहेंगे। और क्या और क्या बची हुई है? एक पैसों की, एक कार की। हाँ, कोई पार्टी नहीं मिलेगी, कोई पार्टी नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी तो सही। गाइस आप बताएं इसको पार्टी किस चीज की, ये वाली पार्टी चाहिए और दूसरी वाली दूसरे हाथ के? रोज तुम रोल खा रहे हो, पिज्जा खा रहे हो, वो पार्टी नहीं? पिज्जा कहाँ खा रहे हैं बाजी नहीं? वो तो खाया था, क्या कहते पिज्जा नहीं है, रोल तो खाया था, बर्गर तो खाया था ना। कितना बड़ा रोल था पता है? जितने तुम्हारी हाइट है ना उतना बड़ा तो रोल लिया था उस दिन में, जो घूम घूम रोल आया के यहाँ तक भी नहीं होता, इतना ही तो था वो। अच्छा पहले तो तक चल चल सलाम करो। अच्छा कौन कैसे इंसान तरीके प्यार से अदब से करो, बोलो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातहू। अच्छा कौन कैसे क्रिकेट में हम लोग आ गए और थोड़ा और भी लगवाते हैं साइड मिरर जो हमने न्यू लगवाए इसके अंदर 150 कोरे के, क्योंकि वो जो ना फ्री हो गए, मतलब हवा आती है ना तो फिर इधर जाते रहते हैं, और उनके जो नीचे जो टाइट करने वाले पेच वगैरह ना वो भी लूज है, तो इसलिए जो ना अभी नए लगवा दिए ये वाले। और ये हैं भी बड़े, पहले वाले बिल्कुल छोटे लगे हुए थे। तो सिलेंसर वाले ने तो भाई ड्रामेबाजी की है, दोपहर का बोला था 1.5 घंटा बिठा के, अभी बोले अभी नहीं ये वो, तो दिमाग ख़राब हुआ मेरा अभी। खैर जो ना साथ में जो ना एक थे पॉलिश वाले, तो मैंने बोला जब तक इसकी पॉलिश करा रहे तो अभी इसको ना ये लोग धो के पॉलिश करेंगे, फिर मैं सिलेंसर वाले को निपटता हूँ। हम लोग बैठे हुए हैं अभी जो ना, वो सिलेंसर वाले ने तो काम नहीं किया, उसने तो धांधली की है ना, धांधली धान से मतलब कल हमें बोला कि सुबह 11-12 बजे ना, और अपने कॉल भी की कि भाई आप लोग आ जाओ मैं फ्री वहाँ पर है। उसने दो गाड़ियाँ और पकड़ ली और मुझे बोलते मैंने तो आपको शाम का कहा था, मैंने बोला अभी दिमाग ख़राब नहीं करो, और जैसे ना बोलते अम्मा बहन भी आ जाऊँगा, तो फिर बोलते नहीं नहीं आप जब चलो जाएँ आप जब तक अपना वो कंपाउंड पॉलिश जो करानी थी वो करा लें। मैंने कहा चलो वो भी मसला नहीं, मैं पहले वही करा लेता हूँ, और अगर उसके बाद तुमने नहीं भरा ना फिर बात ख़राब होगी। अभी अब्बा फिर उसके पास गए, यार बड़े झूठे हैं यार। एक तो अब्बा जहाँ भी जाता है ना जाके उनको बोलता है कि भाई हम नए नए हैं यहाँ पर, मुझे एक बंदे ने कहा था जैसे ही आप लोग बोलोगे ना हम लोग नए नए हैं तो वो फिर आपके साथ ना धांधली करेंगे, बोला वो सही से वो हिसाब किताब ये सारी चीज़ आउट करेंगे। उनको बोलना ही नहीं है आपने कि हम लोग नए नए हैं, वो अब्बा भी इसको आके बोल देता है भाई मैं नए नए हैं बस ये जगहों का पता नहीं, तो वो भी इसे नखरे करना शुरू होते हैं। तो अभी शाम जो ना अभी हो ही गई यहाँ पर, जैसे ये बोलते हैं ना वैसे ही, भले जितना भी मस्के लगा 5-10 मिनट, तो शाम उन्होंने कहा था तो शाम हो ही गई। मैं अभी गया था जूस वूस, मैंने जूस वूस पिया है, लेकिन क्या कह सकते हैं भाई ये गाड़ी जो ना अभी नाक पे लड़ी हुई, गाड़ी नहीं जैसे जो काम करने वो वाले 2 मिनट के काम होते हैं घंटा घंटा लगा देते हैं। तो खैर अभी जो ना हो ही रहा है, अभी हमारा काम मतलब हो रहा है, तो ये हो जाए तो फिर चलते हैं घर बस। तो अभी अंधेरा भी होने वाला है, ये देखें ये सीन हो गया, सिर्फ एक छोटा सा काम था, आधे घंटे का काम था, लेकिन जो ना बस वो नहीं करें तो फिर पूरे रात भी हो जाते, वही सीधे अब अभी बैठ बैठ के थके हुए। खैर जूस वूस पिलाए अभी फिट हुए हैं पूरे। तो भाई साहब अभी हम लोग आ गए हैं धुलवाने के लिए, क्योंकि उसका ना पूरा काम करें, तो जितने में से छोटे मोटे काम थे मैंने बोला जान छूट जाए यार एक ही बार, पता नहीं क्या, क्योंकि लोग जो ना यहाँ पर टाइम जो देते हैं फिर उस टाइम पर काम नहीं करते हमारा। वही मीरू आए, मीर है ये छोटा सा मीर है, मीर क्या कर रहा था? चलो आज अभी इम्तियाज मार के चलते हैं, चले आज हम किस टाइम गए थे और अभी आ रहे हैं भाई बड़े, एक तो लोगों की वजह से ना खैर लेट हो गया, लेकिन ये है कि हमने भी आज पूरा काम करा के हैं। ये देखो गाइस अभी गाड़ी को देखो, खैर किसी लाइट में दिखाऊंगा पूरा काम करा दे उसका। हाँ देखो ना कलर वगैरह देखो, सब कुछ चमका के लाए आज मैं इसको, कंपाउंड पॉलिश ये सब कुछ करा, वही है लेकिन साफ हो गया, अभी अंधेरे में क्या दिखाऊंगा आपको, और वॉश वगैरह जितने भी थे मैंने बोला चलो। और भी अभी घर पे आए तो आप मूसा को देखिए, मूसा कैसे तैयार हुआ है भाई, मोहम्मद मूसा है ये मोहम्मद। क्या हुआ मूसा? मूसा क्या हुआ, क्या हुआ? वही मूसा है भाई यार, तो माशा से मूसा गाड़ी ठीक हो के आ गई है, क्या हुआ क्यों बैठे हो?
हाँ टूट गई है। और ये देखो गाइस मीर कैसे तैयार होके आ गए। मीर सलाम करो, कैसे हो, क्या कर ले थे? हाँ क्या क्या काऊ, बस सारा दिन काऊ 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 काऊ। मीर बाहर चलने, हाँ मीर बाहर जाने, घूमी घूमी करनी है। क्या बोल रहे, आपको नहीं लेके जाएंगे? अबू अबू को बोलो आपको पीपी पर ले जा, जाओ जाओ बाइक पर ले जाओ, आपको जाओ। तो अभी जो ना ये देखें मूसा, हम सब जो ना जा रहे हैं कहाँ पर, अबू भी आ रहे हैं, तो हम सब भाई जा रहे हैं। थोड़ा इनको टेस्ट ड्राइव देने जा रहा हूँ, और जो ना मैंने जो ना वो क्या बोलते हैं भाई साजिद भाई को गाड़ी दिखानी है कि भाई कोई इसमें कमी तो नहीं रह गई, तो वो जो ना अभी कल जो ना अभी जाके उनको चेक कराता हूँ, बाकी छोटा मोटा को उन्हीं से करा लूँगा। तो अभी निकलते हैं और थोड़ा सा बस इनको भी घुमा फेंक लें, क्योंकि जब से गाड़ी है ना मीर और ये लोग जो ना घूमे नहीं है, तो अभी मैं इनको जो थोड़ा सा घुमा फेंक तो दिमाग फ्रेश हो जाएगा। बाहर निकले थे तो मीर जो ना पिज़्ज़ा दो तीन दिन से लगाया हुआ है, और जो ना वॉलेट मेरी जो ना अबू के पास था, अबू के पास है घर गाड़ी में पास जा रहे पास, अब इसको उठा लोगे पिज्जा उधर जाके बोलते हैं, पता क्या बोलते हैं, अंकल पिज्जा दो, एक पिज्जा दो, एक पिज्जा चाहिए, ठीक है मैं ऑर्डर देकर, चलो अंदर चलो, वो आपका नहीं है वो किसी और का है। तो अभी घुमाते घुमाते हम लोग आ गए फिर कहाँ पर, फूड स्ट्रीट पर, और यहाँ पर एक बिल्डिंग है जो मेरी वाइफ बोलती है ये दिखानी है, हमजा को दिखानी है, ये देखो कहाँ गई, अभी ये देखो घर ऐसा लगता है गिरने वाला गया, ये देखो इसको बनाई है ऐसे ना टेढ़ा पेढ़ा, ऐसा लगता है कि अभी गिर जाएगा, ये देखो। तो यही जो ना मेरी वाइफ अभी देखने के लिए आई थी यहाँ पर, तो खैर अभी जो ना वापसी चलते हैं। मीर बोलो अंकल पिज़्ज़ा दो, हाँ ये पता नहीं, बोलो अंकल एक पिज़्ज़ा, मीर आवाज़ दो, बोलो अंकल एक पिज़्ज़ा दो। ओ क्या दें, पिज़्ज़ा चाहिए, ठीक है अंकल दे रहे हैं। कौन सा पिज़्ज़ा खाओगे मीर, हाँ मछली वाला पिज़्ज़ा खाओगे फिश वाला बोलते हैं, हाँ ये वाला पिज़्ज़ा, ठीक है अंकल को मैंने बोला है आपको ना एक गंदा पिज़्ज़ा बना के देता, ठीक है। वो देख पिजन भी आ गए, तुम क्या करने आए हो, किसने बोला क्या हो इधर, हाँ किसने बोले, मीर भैया को बोलो जाओ यहाँ से, नहीं शोर नहीं करो, नहीं शोर नहीं करो, मीर अंकल। तो यार हम लोग पिज़्ज़ा लेकर आए ना, अभी मीर हमें खाने दे रहा, बोलते हैं मेरा पिज़्ज़ा है। मीर ये क्या बदतमीजी है यार, ये हमारा भी है, अबू का हिस्सा है इसमें, कौन सा है ये और अबू का है, मेरा कौन सा है, अच्छा ठीक है अच्छा हम सब खाएंगे, मीर नहीं खाएगा, ठीक है, अबू आ गया, हाँ मीर आप नहीं खाओगे, अबू आ जाओ यार इसके साथ पिज़्ज़ा खाओ। चलें जी, तो आज के व्लॉग हम यहीं पे एंड करते हैं, उम्मीद है कि आपको अच्छा लगेगा, अगर अच्छा लगे भाई लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, किटन थी आपके साथ में शेयर। गाड़ी वगैरह बनवा के मैं चला गया था साजिद भाई के पास, साजिद भाई को क्योंकि टेस्ट करानी थी, क्योंकि नया इंजन, तो खैर मुझे इतना इलम नहीं है और ना ही मुझे पता, खैर मुझे चलाने में तो सही लगा था, लेकिन फिर भी जो ना साजिद भाई लोग जैसे बहुत पुरानी गाड़ी चलाते आ रहे हैं, तो उनको सही से पता चलता है, तो इसीलिए मैं उनके पास गया था कि भाई गाड़ी को टेस्ट करो कि क्या सीन है क्या नहीं है, सीधा उनके पास गए थे, फिर साजिद भाई ने गाड़ी का पूरा टेस्ट लिया, तो वो बोले थे बिल्कुल ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह से, चलें शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे तो फिर भी मुझे मतलब ये तो था कि ठीक है, लेकिन फिर भी डाउट होता ना भाई, और कुछ कमेंट भी थे कि भाई आप साजिद भाई से एक बार चेक कराना, क्योंकि वो जो ना सही जानते हैं इन बारों में, तो इंजन को खोल वोल के सब कुछ सेट किया देखा था, और उसके बाद जो ना चलो ऐसे भी तसल्ली होगी कि भाई ये शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह ठीक, बस क्या बोलूँ जब मैकेनिक लोगों ने उन्हें ज़ाया करा दिया है, असल में यहाँ पर सिलेंसर का काम सिर्फ एक ही बंदा करता था, और वो भी जो ना नशाई पाउडर निकले यहाँ पर, वो ऐसा था कि भाई अभी मैं आपको उनके बारे में क्या बताऊँ, अभी मैं आपको ना शुरू से बताऊँ उन्होंने किया क्या है, एक जो डेंटर पेंटर था वो भी चर्सी था, वो भी दोनों को मैंने कहा फूंक रहे थे साइड पे बैठ के, वो डेंटर की बात करता हूँ जो शीशे वीशे लगा रहा था ये कर रहा था, कल का दिन भी ज़ाया किया आज का दिन भी ज़ाया किया,
एक तो उन्होंने मुझे दोपहर में बुला लिया कि भाई आ जाओ आपका काम करते हैं। फिर जब हम लोग वहाँ पर गए तो उन्होंने गाड़ी दूसरी पकड़ी हुई थी, बोल रहे हैं आपको शाम का बुला था, फिर बात भी नहीं मानते, मतलब ऐसे झूठे थे। झूठ तो खैर खून बस गया अभी इनको, क्या बंदा बोले। तो फिर जना खैर मैं चुप करके मैं अभी क्या बोलूँ इनको। और उसके अलावा भाई जो वो था ना, वो क्या बोलते यार, जो शीशे वगैरह लगा रहा था और हैंडल वगैरह एक दो अंदर के लगा रहा था, तो मैंने उसको कल लिखाए थे। अभी उसने क्या किया कि जो हैंडल है वो जो ना लगाना पीछे वाला था, मंगा आगे वाला लिया है। मिरर है ना ये वाले साइड के, ये मैंने नए मंगाए थे जो मैंने आपको सुबह दिखाए थे, लेकिन ना वो सही से ना एडजस्ट नहीं थे। मैंने बोला इसको खोल कर थोड़ा ऊपर लगा दो, मतलब थोड़ा सा ऊपर करो ताकि वो पीछे की साइड ना बिल्कुल सही से दिखे। अब उस जवान के बच्चे ने क्या किया कि भाई इसको खोला नहीं, बोलता नहीं ये तो हाथ से हो गया, ऐसे किया पूरा क्लच पूरा तोड़ के मेरे हाथ में दे दिया, पूरा मिरर ही तोड़ दिया, नया मिरर। अभी उनको बंदा क्या बोले। फिर पता नहीं मैंने उसको क्या बोला, उसको भी उसने जो ना ऐसे हाथ से किया उसको भी तोड़ दिया। फिर मैंने उसको बोला कि भाई तुम आप जो ना इस काम को छोड़ दो, ये मैं अभी जो ना सुल्तान के खूह पे जाऊँगा, वहाँ पे जो मैं कहने गए सारे तो मैं वहीं से करा लूँगा। तो उसने तो ये हाल, फिर जो है ना क्या बोलते हैं, जो सिलेंसर वाला भाई था अभी उसने अपनी कारीगरियाँ दिखाई। फिर उसने सिलेंसर तो खैर सही से लगा लिया था और बोलते हैं अल्लाह का शुक्र है यहाँ पर मेरा नाम है, ये है वो है। फिर उसने क्या किया, जो जब ये लगाए ना ये यार आगे वाला बम्पर, तो जब बम्पर लग गया तो फिर उसके अंदर जो आधा सामान था आगे का, एक एक वो पता नहीं क्या था, फॉइल पेपर जैसे लगा होता ना वो लगा था, वो नहीं लगाया। और जो ना दो तीन चीज़ें और भी इसके अंदर जो लगी हुई थी वो बाहर पड़ी हुई थी। फिर जो ना उनको खोल के भाई उस बंदे ने अंदर लगाया। तो मतलब ये सीन हुआ है भाई साहब आज मेरे साथ। मैं तो फिर बाद में जो ना, पहले तो मैं गुस्से में था, फिर जब मैंने उनको देखा ना कि भाई ये नशे में टूनने हैं और जो ना कोई कभी ये करे न, वो लगाना कौन सा नट होता था, लगा रहे कौन होते थे। तो मैंने बोला बस अल्लाह करे जी जो ना इसको फिट कर लें, बस ठीक है जान छुड़ाऊँ मैं इससे। असल में मसला ये कि हम लोग यहाँ पर नए नए शिफ्ट हैं, यहाँ पर पता नहीं है, मुझे लगा कि यहाँ पर भाई अभी बैरिया में बैठे हुए तो बड़े जालिम कारीगर होंगे, ये हो गए, दूर जाना मुनासिब नहीं समझा कि भाई उधर सुल्तान के कूपे जाऊँ, क्योंकि यहाँ से ना वो आधा पौना घंटा लग जाता है। लेकिन ये है कि नेक्स्ट टाइम मैं वहीं पर जाऊँगा, क्योंकि वो कारों की फुल बड़ी मार्केट है, वहाँ पर कारीगर हर चीज़ आराम से। साइड मिरर लाया था वो भी नुकसान हो गया, वो अभी फिर से नहीं लूँगा क्योंकि उसने तोड़ दिया शीशे, और जो ना पीछे कर ले हैंडल भी। तो खैर ये पुराने मैंने बोला भाई जो पुराने लॉक हैं वो सारे कुछ वही लगा दो, मैं जब उधर कभी चक्कर लगेगा ना वहीं से बनवा के आ जाऊँगा। तो बस भाई आज के दिन मेरे साथ ये सीन हुआ है, बाकी बस क्या कर सकते हैं। बाकी इंशाल्लाह कल जो रिटर्न होंगे इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे। आज का दिन तो ऐसे ही निकल गया। अभी ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह से ना बिल्कुल सब कुछ कंप्लीट हो चुका है, अभी मुझे ये नहीं कि कल से गाड़ी के लेके जाना पड़ेगा ये वो, तो अभी शुक्र है। एक तो ये नहीं है ना तो इसका बहुत ज़रूरत पड़ती थी। अभी देखो ना आज जैसे हम लोग बाहर घूमने गए तो अब्बा मूसा सब घूमने फिरने साथ चले गए, और जो सामान वगैरह होता है वो भी इसके अंदर आ जाता है। तो चलो ये शुक्र है। जो उसने झूठ फूट बोला ना मुझे बहुत गुस्सा आया था उस टाइम पे, यकीन मैंने बहुत देखा, क्योंकि वो बिल्कुल मान ही नहीं रहा था। हमें यहाँ से कॉल भी खुद की कि भाई आ जाओ, और बिल्कुल मान ही नहीं रहा था कि अभी मैंने आपको बोलते हैं, मैंने तो पहले बोला आप बैठे हैं बस मैं अभी 5 मिनट शुरू करता हूँ, फिर बोलते हैं आप लोग जो ना ऐसा करो शाम को आज ना गाड़ी खड़ी करो, मैं बोला शाम को अभी क्या हम लोग पैदल जाएंगे यहाँ से, फिर बोलते हैं चलो 5 मिनट, फिर आधा डेढ़ एक घंटा बिठा दिया, फिर जब गुस्सा किया तो फिर बोलते हैं चलो 1 घंटे बाद मैं आपका काम शुरू करूँगा। तो मतलब ऐसे शुरू के वही जो शाम को अच्छा बिल्ली आई वही मैं डर गया हूँ, तो वही जो शाम होती है ना वही शाम पूरा दिन जाएगा आ जाए। तो खैर अभी नेक्स्ट टाइम ऐसे काम नहीं करेंगे भाई। तो इसी के साथ वीडियो एंड करते हैं, मिलते हैं कल एक नेक्स्ट व्लॉग में। और गाइस यहाँ पर आपको पता है सर्दी आ चुकी है, अभी जो ना हमारे घर के साइड पर ना खुला इलाका, तो इधर हम पंखे को ना बिल्कुल मतलब 0 स्पीड पर रखते हैं, कूलर पंखा ये सब बंद कर दें, मुझे लगता है नेक्स्ट वीक में ना और भी सर्दी आ जाएगी, तो अभी उसका भी इंतज़ाम सब कुछ करना पड़ेगा। खैर इसी के साथ वीडियो एंड करते हैं, मिलते हैं कल एक नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह।